Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be fine and safe. I'm your teacher Satnan and this is your Oxford Reading Circle book 6. As you know that we are learning our month of January. So first chapter of the January, the thank you ma'am, I have explained and video you have got it. So now we are going to learn about the second topic of the month of January, slow dance. So let's move on the topic. Unit 20, slow dance. Have you ever watched kids on a merry-go-round? Or listen to the rain slapping on the ground? Ever followed a butterfly's erratic flight? Or gazed at the sun into the fading night? You better slow down. Don't dance so fast. Time is short, the music won't last. Do you run through each day on the fly? When you ask how are you, do you hear the reply? When the day is done, do you lie in your bed with the next 100 chores running through your head? Slapping on the ground. Ever followed a butterfly's erratic flight? Or gaze at the sun into the fading night? इस स्टेंजा के अंदर जो है वो बात कर रहे हैं बच्चों की, कि बच्चे जो हैं अपनी मैरी गो राउंड जो झूला है उसे बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं उस झूले को. उसके इर्द गिर्द बहुत रश होता है बच्चों का और हर बच्चा जो है अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहा होता है कि जल्दी से कोई हटे और फिर मैं जो है अपनी टर्न लूँ और मैं झूलूँ. मगर क्या होता है कि बच्चों का दिल नहीं करता उस झूले से हटने का, मैरी गो राउंड झूले से हटने का दिल नहीं करता. और काफ़ी बच्चों का इसी झूले के ऊपर लेकर जो है फाइट भी शुरू हो जाती है कि उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है इस झूले को यूज़ करने के लिए. और फिर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो अचानक अगर बारिश भी आ जाए तो उस झूले का यूज़ करना काफ़ी दुबला हो जाता है, काफ़ी इंजॉयबल हो जाता है, काफ़ी मज़ा आ रहा होता है कि भाई हम झूला भी झूल रहे हैं और फिर बारिश भी हो गई है. और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो झूला झूलते रहते हैं और बारिश की दुआएं करते रहते हैं. अमूमन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बारिश की दुआएं करते हैं झूले झूलते वक्त, और फिर बारिश जो है वो हो जाती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. इसी तरह अगर वो झूला किसी गार्डन के अंदर हो और फिर वहाँ पे तितलियों की भी जो है फ्लाइट हो, कि तितलियाँ भी वहाँ पे नज़र आ जाएं, चाहे वो एक हो या दो हो या फिर दो से ज़्यादा हो, तो अमूमन बच्चे जो हैं उसे देखकर भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उस तितली के पीछे पीछे भागते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तितली जो है वो उनके हाथ नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती. वो बहुत उन्हें अच्छी लग रही होती है, उसकी तितली के जो कलर्स हैं वो बहुत रंगीन और कलरफुल बहुत अच्छी लग रहे होते हैं. हम खुद भी सोचते हैं कि हम इसे पकड़ लें, अपने पास रख लें, तो तमाम बच्चे जो हैं वो उसे भाग दौड़ में लगे रहते हैं. जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि लड़का जो है वो बटरफ्लाई को कैच करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके हाथ में आ जाए, तो काफ़ी घंटों या देर तक वो उसके पीछे भागते रहते हैं जब तक वो हाथ में, मगर तितली तो हाथ में नहीं आती है, बहुत ही कम आती है हाथ में पकड़ाई के अंदर. तो इसी तरीके से टाइम जो है वो गुजरता रहता है, सूरज जो है
वो ढलता चला जाता है और फिर रात जो है वो होने लगती है, रात अपनी शुरू हो जाती है। यू बेटर स्लो डाउन, डोंट डांस सो फास्ट, टाइम इज शॉर्ट, द म्यूजिक वॉन्ट लास्ट। टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, मगर म्यूजिक जो है वो ख़त्म नहीं होता। अगर आप कभी कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं या फ्री बैठे हुए हैं और हमने कोई गाने वगैरह सुनने हैं या कोई भी हम मेलोडी सुन रहे हैं, तो टाइम तो ख़त्म हो जाता है मगर म्यूजिक ख़त्म नहीं होता और हमारा दिल करता है कि हम वो सुनते ही रहें। कभी कभार अगर कोई अच्छा म्यूजिक भी लगता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि वी शुड मोर एंड मोर, कि हमें ज़्यादा सुनना चाहिए, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए इसके साथ। मगर क्या हम टाइम को तो नहीं रोक सकते, टाइम तो गुजरता चला जाता है। और फिर अगर हम कोई डांस भी देख रहे होते हैं तो यही होता है कि जब आप डांस कर रहे हैं म्यूज़िक के ऊपर तो वो स्लो डांस किया जाए। फास्ट डांस करते हैं तो उससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, आपका पैर भी जो है वो ट्विस्ट हो जाता है या दूसरी मसल्स प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। इसीलिए स्लो डांस किया जाए, वो बेटर होता है कि आप स्लो डांस करें कि फास्ट डांस ना करें। डू यू रन थ्रू ईच डे ऑन द फ्लाई, व्हेन यू आस्क हाउ आर यू डू यू हैव द रिप्लाई, When the day is done, do you lie in your bed? और जैसे जैसे दिन गुजरता चला जाता है तो हम अपने आप से पूछते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, कैसा गुजरा, ठीक है। या फिर हम जो चीज़ें हैं जैसे तितली, फ्लावर्स, हम इन लोगों से भी बातचीत करें कि आपका दिन कैसा गुजरा, कैसे हैं, क्या है, तो क्या हमें उनका जवाब मिलता है? नहीं। मगर क्या हम फील कर सकते हैं कि हम स्कूल से ही ये तरबियत हासिल कर रहे होते हैं कि सब जानदार चीज़ें जो हैं वो महसूस करती हैं, ठीक है, तकलीफ़ हो वो महसूस करती हैं। जैसे अगर हमें कोई तकलीफ़ है तो हमें पता चलता है कि हम हैं, दर्द है, और इसी तरह दूसरे जानदार हो, चाहे वो जानवर हो या फिर ये फूल हो या तितली हो, जानवर हो, तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है, एहसास होता है, और वो एहसास हम कर रहे होते हैं कि या अगर हम इस परिंदे को या फिर किसी जानवर को कुछ हर्ट करते हैं तो उसे कितनी तकलीफ़ होती होगी, और हम फूल तोड़ रहे हैं तो क्या उससे भी तकलीफ़ होती है, फूल टूटता है तो क्या वो हमें कैसे बताएगा, वो हमें बता सकता है, नहीं बता सकता। तो इसी तरह जो है हमारी इसी कश्मकश के अंदर जो है पूरा दिन निकल जाता है, गुजर जाता है। When the day is done, do you lie in your bed? With the next 100 chores running through your head. और इसी तरह जब आप बेड पर जाते हैं तो हम इसी ख्यालात में रहते हैं कि अब अगले दिन हमें क्या करना है और कितने 100 तरीके के काम हमारे सामने आ जाते हैं, और हम यही सोचते रहते हैं कि अब हमें कौन सा काम करना है, अपना पूरा दिन कैसे गुजारना है, किस तरीके से काम करना है, और प्लानिंग में लग जाते हैं कि हमें क्या क्या करना है आज हमें, तो हम ये बेड के ऊपर लेटे हुए ये सब प्लानिंग कर रहे होते हैं। हमारा माइंड जो है वो चल रहा होता है कि अब सुबह उठ के मुझे ये करना है, वो करना है, और बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि सुबह उठते ही हमें नाश्ते में क्या खाना है, और कल मुझे कहाँ घूमने जाना है अगर वेकेशंस हैं, और क्या चीज़ लेनी है, कहाँ घूमना है, क्या करना है, इस तमाम के तमाम जो बच्चा लेट कर जो है बेड टाइम पर जब जाता है अपने बेड पर तो वो प्लानिंग कर रहा होता है, उसके माइंड में चल रही होती है प्लानिंग। यू वुड बेटर स्लो डाउन, डोंट डांस सो फास्ट। यहाँ पर है कि आपको जो है डांस स्लो करना चाहिए, तेज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक पिक्चर में भी देखें तो यहाँ पर स्लो डाउन से
कि आपको स्लोली कोई भी काम हो, इसका मतलब मोरल ये है कि कोई भी अगर आप काम भी करें तो आहिस्तगी से करें, ठहर ठहर के करें, समझ के करें, कि जल्दबाजी में वो काम ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए, क्योंकि अमूमन जल्दबाजी के जो काम होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ये जो पिक्चर में लड़की अगर ये फास्ट डांस करती है तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो गिर जाते हैं, उनका पैर जो है वो ट्विस्ट भी हो जाता है, मुड़ जाता है और उन्हें तकलीफ होती है या उनकी फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हो जाते हैं। टाइम इज शॉर्ट, द म्यूजिक वॉन्ट लॉस्ट। वही बात कि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट होता है मगर म्यूजिक जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो ना होगा, वो चलता रहता है। आप एक ही चीज़ को हम बार बार सुनते रहें, बार बार सुनते रहें, क्या होगा, वो म्यूजिक तो ख़त्म नहीं होगा, उसका आखिरी पॉइंट तो नहीं आएगा, मगर हमारा दिन गुजर जाएगा, हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, मगर वो म्यूजिक ख़त्म नहीं होता। एवर टोल्ड योर चाइल्ड वी विल डू इट टमोरो। हर कोई जो बच्चा, हम उन्हें यही बताते हैं जो आज काम नहीं हुआ चलो हम कल कर लेंगे, कल ऐसा कर लेंगे, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं, उन्हें सहला रहे होते हैं कि चलो बेटा आज हम ये नहीं तो कल कर लेंगे, आज ऐसा नहीं हुआ तो कल, आज आपको ये खाना था नहीं बना तो आपको कल बना देंगे, आज अगर यहाँ घूमने नहीं जा सके या टाइम ख़त्म हो गया नहीं हो सका तो कल हम चल लेंगे वहाँ पर। तो इसी तरीके से बच्चे जो है वो आज और कल की प्लानिंग करते रहते हैं। एंड योर हेस्ट नॉट सी हिज सोरो। खुशी और गम बच्चों को नहीं पता चलता, मगर हम जब गम ज़्यादा होते हैं, किसी तकलीफ़ में होते हैं, तो अपने पेरेंट्स को ही याद करते हैं, अपने खुदा को याद करते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभार बच्चे जो है वो गमज़दा तब होते हैं जब उनकी कोई चीज़ टूट जाती है या कोई चीज़ उनकी लॉस्ट हो जाती है, गुम हो जाती है, तो वो बच्चा जो है वो गमज़दा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। एक तो उसको अपनी पेरेंट्स की डांट का भी डर होता है कि अब गुम हो गई या टूट गई तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, तो बच्चा जो काफ़ी डर जाता है। एवर लॉस्ट टच, लेट अ गुड फ्रेंडशिप डाई। और सबसे कीमती जो चीज़ होती है वो होती है इंसान की फ्रेंडशिप। और अगर बच्चा तब भी सैड हो जाता है जब उसका कोई फ्रेंड जैसे नाराज़ हो जाए और वो ये कहे कि चलो बस अब हमारी दोस्ती ख़त्म, ठीक है, तो ये इन चीज़ों से भी बच्चा नाराज़ हो जाता है। और हमें चाहिए कि हम अपनी दोस्ती को, जो भी अच्छी फ्रेंडशिप हो, उसे ख़त्म ना करें, वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती या दोस्त जो है वो भी खुदा की तरफ से एक तोहफा है। कॉज यू नेवर हैड टाइम टू कॉल एंड से हाय। वो इसलिए कि आपका जो गुजरा हुआ वक्त है वो वापस नहीं आएगा, वो वापस आप उसे बुला नहीं सकते, इसीलिए कि उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से उसका इस्तेमाल करो, अच्छे से उस टाइम को इंजॉय करो। यू वुड बेटर स्लो डाउन, डोंट डांस सो फास्ट, टाइम इज शॉर्ट, द म्यूजिक वॉन्ट लास्ट। वही अगेन कि अच्छे से संभल कर अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, कहीं भी किसी भी काम में जल्दबाजी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टाइम बेशक शॉर्ट हो मगर काम इत्मीनान से होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती है अगर हम जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं। तो यही उम्मीद रखनी चाहिए कि जो काम आज हमारा रह गया वो इंशाल्लाह हम टुमारो कर लेंगे। When you run so fast to get somewhere, जब आप
जल्दी में होते हो कि हमें कहीं जाना है, हमें कहीं पहुंचना है, तो हम जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं और जाने के बाद जल्दी हो जाती है। अमूमन जो है बच्चे वो जल्दी जल्दी करने के लिए या कहीं जाना होता है, उन्हें पता चल जाए कि अगर हम कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं या कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या डिनर पर जा रहे हैं या लंच पर जा रहे हैं या किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, काम करते हैं अपना, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। जैसे पेरेंट्स को लिस्ट देते हैं उनके चॉर्स की कि आपको ये करना है वो करना है, ये ख़त्म करने के बाद हम वहाँ जाएंगे, और बच्चा जो है फिर वो काम अपने ख़त्म कर रहा होता है। मगर उसी जल्दबाजी के अंदर बच्चा कोई ना कोई चीज़ ज़रूर तोड़ देता है या गुम कर देता है या ख़राब कर देता है और अपने काम को जो है वो एक्सचेंज कर देता है। तो उसी चीज़ के ऊपर पेरेंट्स को भी गुस्सा आ रहा होता है कि दिया क्या करने था और बच्चे ने कर क्या दिया। तो इसी तरह कहा जाता है कि जल्दबाजी ना किया करें, हर काम को इत्मीनान से करना चाहिए। यू मिस हाफ द फन ऑफ गेटिंग देयर। आपको बच्चों को ये लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम देर से वहाँ पर पहुँचें तो हमारा जो फन है वो हम मिस ना कर दें, यह हमारा एक लम्हा भी जो है वो ज़ाया ना हो, हम अपने पूरे टाइम पर पहुँचें और फिर देर से आएं ताकि इंजॉय करने का जो टाइम है वो हमें अच्छे से मिल जाए, बहुत अच्छे से ज़्यादा टाइम मिले। और फिर वो बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से कि उन्हें जो है ज़्यादा टाइम चाहिए, फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा और थोड़ा और, तो इसी थोड़े थोड़े के चक्कर में काफ़ी टाइम वो इस तरीके से ले लेते हैं अपने पेरेंट्स का। व्हेन यू वरी एंड हरी थ्रू योर डे, और जब आप जल्दी में होते हैं और अपने टाइम के बारे में, अपने डे के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें वहाँ जाना है और ये करना है, हमें वो करना है, मुझे ये झूला यूज़ करना है, मुझे वो झूला यूज़ करना है, मुझे इसके अंदर बैठना है, मुझे उसमें बैठना है, तो आपको बहुत जल्दी होती है और टेंशन भी हो रही होती है कि जल्दी से जाएं और कब जाएंगे। तो बच्चा बार बार इसी कश्मकश में होता है, अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है कि जल्दी चलें जल्दी चलें, उसको वहाँ जाने की बहुत जल्दी हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर जो है उसका डे चल रहा होता है कि मुझे अपना आज का दिन जो है यहाँ पर स्पेंड करना है, यहाँ पर गुजारना है। इट इज़ लाइक एन अनओपन गिफ्ट। एक तरीके से क्या होता है कि पेरेंट्स की तरफ से ये बच्चों के लिए एक गिफ्ट भी होता है, और जिन बच्चों को पेरेंट्स नहीं बताते या सरप्राइज देते हैं तो बच्चे जो है उस पर काफ़ी खुश भी हो जाते हैं कि उन्हें देखकर, उन्हें सोच कर कि वाओ कि हम इतनी अच्छी जगह पे, हमारे पेरेंट्स हमें लेकर आए हैं, हमें टाइम दे रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चा जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपने पेरेंट्स को काफ़ी अपना आइडियल और उन्हें पसंद करने लग जाता है कि एक पॉजिटिव वे के अंदर अपने पेरेंट्स को ले रहा होता है कि हमारी सारी ख्वाहिशों को हमारे पेरेंट्स जो है कंप्लीट करते हैं, कंप्लीश करते हैं, पूरा कर देते हैं। और वो बार बार इसी तरीके की गिफ्ट की रिक्वेस्ट करते हैं, और पेरेंट्स को अगर अपनी कोई बात मनवानी है तो वो इसी तरीके की गिफ्ट उनको देते रहते हैं कि अगर पढ़ाई में बच्चों को रिजल्ट अच्छा लाना है या पढ़ना अच्छा है तो वो यही कहते हैं कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है, आपके टेस्ट वगैरह अच्छे होते हैं, हम आपको यहाँ लेकर जाएंगे, हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे, या आपको ये गिफ्ट मिलेगा या आपको वो गिफ्ट मिलेगा। तो इसी जो है लालच में जो है बच्चा अपने आप को यूटिलाइज करता है अपने वर्क के अंदर, अपनी स्कूल एजुकेशन के अंदर पूरा इन्वॉल्व कर देता है और पूरी कोशिश करता है कि वो उन गिफ्ट्स को हासिल करने के लिए अपना रिजल्ट बेहतर से बेहतर लेकर आ सके। लाइफ इज नॉट अ रेस, डू टेक इट स्लोअर। जिंदगी जो है वो रेस नहीं है, इसे आहिस्तगी से गुजारो। आहिस्तगी से मुराद ही नहीं कि हर चीज़ से दूर हो जाओ और अकेले बैठ जाओ या बहुत ही स्लो स्लो करो। आहिस्तगी से मुराद ये है कि इत्मीनान से करें,
जो भी काम कर रहे हैं वो इत्मीनान के साथ करें, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो ख़त्म भी ना हो और आप लोगों का काम जो है वो अपने उसी टाइम पर मुकम्मल हो जाए और ख़राब भी ना हो। क्योंकि अमूमन हम अगर हम एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में हो या ट्यूशन में हो या घर में हो, कहीं पर भी हो, अगर वो स्कूल होमवर्क भी कर रहा है या उसे जल्दी का काम हम देते हैं कि आप जल्दी करें, तो बच्चा क्या करता है, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी कर देता है, गलतियां कर देता है। तो उस गलतियों की वजह से उसका काम जो है वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए भी कहा जाता है कि जो है जल्दी का काम ना करें, आहिस्ता करें, समझ के करें, ठहर ठहर के करें, अच्छी तरह करें। क्योंकि जो ठहर ठहर कर समझ कर काम होता है वो हमेशा लाइफ टाइम आपका दिमाग में रहता है। Hear the music before the song is over। और अगर आप लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो उसके ओवर होने से पहले ही हम, बाज़ औक़ात म्यूज़िक ऐसे होते हैं कि किसी म्यूज़िक को जब हम सुन रहे हैं तो उसके ख़त्म होने से पहले ही हम उसको रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। वो इसलिए कि शायद हमारा जो दिल था वो भर चुका है, या फिर हम सुनना नहीं चाहते, या हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए फिर हम उसे स्टॉप कर देते हैं वहीं पर उसके ओवर होने से पहले ही, चाहे वो म्यूज़िक हो या फिर कोई भी गाना हो। और बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होते हैं कि जो गाने हमें पसंद होते हैं हम उन्हें फॉरवर्ड भी कर देते हैं कि ये नहीं सुनना, या हमें पसंद नहीं आ रहा हम जो है रिवर्स भी कर देते हैं। एक ही गाने को हम बार बार भी सुन रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, तो इसी तरीके से जो है ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और ना ही ज़िंदगी कोई एक रेस है जिसे जो है आपको जल्दी जल्दी गुजारनी है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। हर चीज़ आपको अपनी लाइफ में फेस करनी होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सपेंशन थी आपकी यूनिट 20 की। अब आपको जैसे मालूम होगा कि ये आप लोगों का लेसन 20 जो है ये लास्ट लेसन था मंथ ऑफ द जनवरी का। सो आई थॉट कि मुझे जो है एक समराइज या थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहिए, एक रिव्यू आप लोगों को दे देना चाहिए स्टार्टिंग से, कि जो हम जून एंड जुलाई से जो हम काम करते हुए आ रहे हैं उन टॉपिक्स को हम थोड़ा थोड़ा करके समराइज कर लेते हैं, ताकि एक स्टोरी जो है हमारी याद दहानी हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन दी टॉपिक ऑफ द जून एंड जुलाई एज अ समराइज ऑफ द स्टोरीज ऑफ दैट यूनिट्स। जून एंड जुलाई, जून एंड जुलाई का जो फर्स्ट यूनिट था आप लोगों का वो था बर्थडे प्रेजेंट, ठीक है। तो इस बर्थडे प्रेजेंट चैप्टर को जो है आपकी टीचर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया होगा कि बर्थडे प्रेजेंट क्या है। बर्थडे प्रेजेंट वही जो हमें किसी की तरफ से मिलते हैं, जैसे हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं, हमें हमारे फ्रेंड्स की तरफ से मिलते हैं, रिलेटिव्स से हमें गिफ्ट मिलते हैं, या हमें कोई भी इनवाइटेड फ्रेंड जो होता है, जो हमारी बर्थडे के ऊपर इनवाइट होता है, वो हमें गिफ्ट लाकर देता है, तो ये बर्थडे प्रेजेंट जो है वो कहलाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बर्थडे का जो प्रेजेंट होता है वो क्या है कि समटाइम्स के पेरेंट्स हमारी बर्थडे अरेंज नहीं कर रहे होते हैं, मगर क्या वो हमें सरप्राइज दे रहे होते हैं, एक प्रेजेंट दे रहे होते हैं कि आपकी बर्थडे जो है वो सरप्राइज के तौर पर आपकी सामने आती है। तो ये भी एक तरीके का जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे पेरेंट्स की वजह से। तो इट इज़ योर फर्स्ट यूनिट ऑफ द जून एंड जुलाई। सो लेट्स मूव ऑन द सेकेंड यूनिट। इट इज़ योर यूनिट 2 फ्रॉम द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, स्काई सी शोर। सो इसके अंदर जो है आपने सी शोर्स के हवाले से पढ़ा था कि समुद्र के किनारे पर हम अपने वेकेशंस जाकर इंजॉय करते हैं और खुले आसमान के नीचे इंजॉय कर रहे होते हैं, और स्काई के ऊपर बर्ड्स आते हैं वहाँ पर,
और स्टार्स हमें नज़र आते हैं और किस तरीके से हम पानी को जो है इंजॉय कर रहे होते हैं, सी को इंजॉय कर रहे होते हैं, उसकी लहरों को इंजॉय कर रहे होते हैं किनारों पर बैठकर या पानी के अंदर जाकर या किनारे पर बैठकर हम उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। उसकी पानी की लहरों की जो वेव्स हैं उनकी आवाज़ों को हम इंजॉय कर रहे होते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं या उसकी ठंडक को इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये चैप्टर जो था इसी बारे में था आपका स्काई सी शोर्स, ठीक है, ये आपका जून जुलाई का था। अब हम आते हैं अपना यूनिट थर्ड की तरफ जो कि इसी मंथ से है, डेडलेस एक्रेस, ये आप लोग का यूनिट थ्री है, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो दो बॉयज की हैं जो कि ये सोचते हैं कि काश वो भी बर्ड होते और बर्ड्स की तरह उड़ पाते, कि उनकी विंग्स होते और वो इस तरीके से उड़ सकते आसमानों पर, खुले आसमानों पर, समंदर के किनारे, झील पर या समंदर के ऊपर लहरा रहे होते अपने पंखों को और इंजॉय कर रहे होते। तो इसी तरीके से उनकी इमेजिनेशंस जो है वो सोचते हैं कि काश क्या हम होते तो हम सूरज तक जाते, चांद पर पहुंच जाते और अपने पंखों को लहराते, हवा में उड़ते, इंजॉय करते, जहां दिल चाहता पंख फैलाकर चले जाते, ठीक है। तो ये आपका यूनिट थ्री था। इसी तरीके से हम चलते हैं यूनिट सेवन की तरफ। आपका यूनिट था सेवन द स्नेक। आपने इस स्टोरी में पढ़ा था स्नेक के बारे में, जो कि गार्डन में एक बच्ची जाती है घूमने फिरने, तो वहाँ पर जो है से एक स्नेक नज़र आता है और जिस दरख्त के किनारे पर वो बच्ची खड़ी होती है वो उधर ही रहता है और उससे लगाव था स्नेक को उस दरख्त से। जैसे कि इस पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्नेक था वो अपने उसी दरख्त से चढ़ गया है, लिपट गया है कि वो उसे अपना घर समझता है कि वहीं पर उसका बसेरा है, वो वहीं पर रहता है। तो ये एक समराइजिंग था, एक छोटी सी स्टोरी टाइप की थी वर्डिंग के अंदर, ताकि आप लोगों को जो लेसन जो है समराइज हो सके, एक रिमाइंड हो सके किस बारे में ये चैप्टर्स थे। सो इसी तरीके से हम लेट्स मूव ऑन द अदर चैप्टर। ये मंथ ऑफ द अगस्त के अंदर चैप्टर था आपका द गोल्डन क्रैब। यहाँ पर जो स्टोरी थी वो थी एक क्रैब के बारे में जो कि गोल्डन कलर का था, ठीक है, और दिखने में काफ़ी अच्छा था, गोल्डन कलर का, और समंदर किनारे पर वो नज़र आता बच्चों को। तो जो फिशरमैन था वहाँ पर जो फिशिंग के लिए गया था उसे गोल्डन क्रैब जो था वो नज़र आता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और डर भी लगता है इस क्रैब से। तो उसके साथ जो भी हादसा हुआ वो अपने दूसरे लोगों को बजाकर बताता था गांव के अंदर और उनको उसकी स्टोरी बताता कि वो किस तरह फिशिंग के लिए गया था और वहाँ पर उसे गोल्डन क्रैब नज़र आया। और उसने जो है किस तरीके से उसको पकड़ा और इस्तेमाल किया, इसी तरीके से उसे इस्तेमाल करने के बाद, पकड़ने के बाद वो अपने दूसरे वॉइस के चला गया और वहाँ पर जाकर जो है अपना भेस बदल कर वो गया और वो